ओके दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे ना। एक क्वेश्चन है सिंपल सा, मैं आपके सामने लिख रहा हूं सीता और सामने लिख देता हूं लड़की और यहां लिख देता हूं राम। आपको यहां कुछ भरने को कह रहा हूं कि कुछ भी लिखो, आपकी इच्छा है कि दिमाग से क्या लगाते हो तो आप क्या लिखोगे, क्या माइंड में आता है। चलो एक और क्वेश्चन, एक और लिखना है आपको। मैं लिखता हूं 1 2 3, यहां कर देता हूं गणित। तीसरा, अगली जगह लिखता हूं ABC, यहां आप क्या लिखोगे। आपको एक कॉलम दिया गया है कि यहां पर कुछ लिखो, ऑप्शन भी नहीं दिए, तो आपका माइंड क्या सोचता है। तो आपका माइंड जो सोचता है वो ये सोचता होगा कि लड़की है यहाँ पे, क्योंकि सीता लड़की है तो राम क्या होगा, सीता लड़की है तो राम क्या है। ऑप्शन एकदम सही है आपका आंसर, लड़का। यहाँ पे 1 2 3 किस में होते हैं, गणित में होते हैं, तो ABC किस में हुए होते होंगे, अंग्रेजी में। बस यही कहानी समाप्त होती है आज का जो रीजनिंग का अगला चैप्टर है, जिसका नाम है एनालॉगी, सादृश्यता, जो भी हिंदी में है ना, सादृश्यता। ठीक है, एनालॉगी जो कि आपके फर्स्ट ग्रेड के चैप्टर में आने वाली है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम वापिस रीजनिंग। एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, कोड डिकोड, जो कि काफी पहले कर लिया था, परंतु अब स्टार्ट करते हैं अगले चैप्टर्स हमें कंप्लीट करने हैं। और उसी में हमने जो पहला चैप्टर उठाया है जिसका नाम है एनालॉगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी को है ये, मतलब इस तरह का चैप्टर है जिसमें यदि आपको जितनी ज्यादा नॉलेज होगी तो उसके परसेंटेज उतने ज्यादा होते हैं कि आपका सही हो। इसमें नॉलेज के अलावा कुछ भी नहीं है, आपको क्या बनाना है, बेसिकली रिलेशन देखना है। एक रिलेशन आपको दिया हुआ होगा, एक रिलेशन जैसे ये है सीता लड़की है, तो एक रिलेशन दिया हुआ है, उसी हिसाब से आपको दूसरा रिलेशन सोचना होगा कि यार इसका क्या रिलेशन होगा इधर। जैसे सीता एक हिंट है, एक हिंट दिया हुआ है, दूसरा आपसे पूछा गया है, वैसे ही जैसे 1 2 3 गणित है तो ABC क्या होंगे, ये हिंट दे दिया तुम्हें और ये तुम्हें सोचना है। अब इसी तरह के क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको डिस्कशन करता हूं मैं, ठीक है। एनालॉगी की थ्योरी करेंगे आज हम, थोड़ी थोड़ी थ्योरी है, ज्यादा थ्योरी है भी नहीं इसमें, आपको बस याद ही करनी है चीजें और कुछ इसका हो नहीं सकता। चलो तो देखो, एक क्वेश्चन सिंपल, यही क्वेश्चन किस तरह आता है वो देखते हैं हम। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ होगा इस तरह, क्वेश्चन सीता लड़की डबल कॉलम या राम सिंगल कॉलम, और यहां पे ऐसे स्पेस दिया हुआ होगा, और आपका ऑप्शन दिया हुआ होगा ए लड़का, ऑप्शन बी वयस्क, ऑप्शन सी भगवान, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज या कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन किससे आपको आंसर बनाना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स कैसे बनना है इसको देखते हुए कि ये क्या है, इससे क्या रिलेशन मिल रहा है, उसी हिसाब से आपको अगला कॉलम फिल करना है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, लड़का, ठीक है। अब इसमें आपको कैसे कैसे और घुमा सकते हैं वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक टफ काम है जो आपको ध्यान होने चाहिए। इसके लिए मैं कुछ थ्योरी आपको कुछ नोट्स दे रहा हूं, आपको PDF मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, परंतु अभी हम स्टडी करते हैं, उन चीजों का आप देखना अच्छे से पढ़ना, आपका सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि है ना, ऑस्ट्रेलिया इसके साथ संबंध दे दिया आपको यहां पे, क्रिकेट, भारत, ये संबंध अब फिल करना पड़ेगा। तो अब आपके दिमाग में यदि आपने पढ़ा होगा तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला, कि ऑस्ट्रेलिया और क्रिकेट में क्या रिलेशन है, वही भारत और उसमें रिलेशन होगा। यहां पे ऑप्शन दिया होगा क्रिकेट, हॉकी, रग्बी, फुटबॉल, है ना, ये चार ऑप्शन दिए हुए मान लो। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया और क्रिकेट में क्या संबंध है, क्योंकि ये आपको पता चल जाएगा तो आप ये भी बना लोगे। तो ऑस्ट्रेलिया और क्रिकेट में जो संबंध है, इसी तरह के और जो संबंध है उसका डिस्कशन करते हैं पहले। तो ऑस्ट्रेलिया और क्रिकेट में जो संबंध है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया का
राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। तो भारत का क्या है? ऑब्वियस बात है हॉकी है ना। तो हॉकी किसका है? भारत का है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? हॉकी। ठीक है, आई बात समझ में किस तरह क्वेश्चन बनाने, आई होप चीजें समझ में आई होंगी। तो अब ये जो है देखो, ये कुछ नेम्स है आप देख सकते हो जो मैंने खुद ने लिखे हुए हैं, हैंड रिटन है। आपको ये क्या करना है, दिन में जैसे 7-7 दिन के अंतर में या 5-5 दिन के अंतर में आपको इनको एक बार देखना है। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप पीडीएफ के क्या निकाल लो, प्रिंट निकाल लो, 1-1 रुपए लगना है ना एक प्रिंट का। प्रिंट निकाल सको तो अच्छी बात है, नहीं तो मोबाइल में देखो इनको। इनसे बाहर उम्मीद है ना जाए, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने लिख लिए हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि देश और राष्ट्रीय खेल के बारे में बताया हुआ मैंने। देखो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड क्रिकेट, इंग्लैंड का तो हमें पता होता है, ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। साथ में भारत और पाकिस्तान दोनों का क्या है? हॉकी है। अमेरिका कनाडा स्पेन, इनके क्या क्या है वो आपको ध्यान रखना है। जो स्पेन की है सांडो की लड़ाई, मतलब बुल फाइट, जिसे हिंदी में बहुत आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी में ऐसे ही लिखा होगा सांडो की लड़ाई, बुल फाइट। तो इंग्लिश में भी आपका आप देख लेना जरूर, ठीक है। इसी तरह और क्या हो सकते हैं, और जो हो सकते हैं वो जंतु और शिशु है। जो जंतु है उसका जो शिशु यानी बेबी है उसका क्या नाम दिया जाता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो भी आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप उसे देखिए। जैसे भेड़ का मेमना, बिल्ली का बिलोट्टा, बकरी का मेमना, तो भेड़ और बकरी मेमना। मेंढक का टेडपोल कहा जाता है, हिंदी में टेडपोल ही लिखा हुआ आएगा। गाय का बछड़ा, मुर्गी का चूजा, कीट का लार्वा, कुत्ता, बिल्ला, कछुआ, कच्छप। ठीक है, तो ये वो नाम है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह आगे मैं बात करूं तो आगे देखो आप, आविष्कार और आविष्कारक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है। इसमें से इंपॉर्टेंट देख लो, एक तो मोटरसाइकिल है, फाउंटेन पेन है ना, लेविसिन वाटरमैन, फाउंटेन पेन, बॉल पॉइंट पेन है, प्रोटोन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के यहाँ पे भी काम आएंगे, और आगे जो साइंस में है वो भी आपके काम आने वाले हैं। तो ये मशीन गन है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको आपको याद ही करना है, याद करने का तरीका सिंपल है। 5-5 दिन के गैप में, दो दो तीन तीन, पहले शुरुआत में 2-2-3 दिन गैप के देख लो, फिर 5-5, 7-7 दिन, कोई टेंशन नहीं है। और लास्ट में एग्जाम जाते जाए ये पीडीएफ देख के जाना, क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका, ठीक है। और देखो जानवर और आवाज के बारे में है। अब देखो जानवर में सारस का देखो क्रे क्रे है, टिटहरी का टीटी है, हाथी का चिगारना है, रीछ का घुराना है, गाय का रामबना है। अब रामबना गाय का और गधा दोनों का है। बकरी बछड़ा दोनों क्या कराते हैं? मिमियाते हैं। क्या करते हैं? मिमियाते हैं। नाक क्या कराता है? फुरफराना, फुरफराता है। कबूतर का तो हमें पता है, मोर का कुहकहाना, ध्यान रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ में घोड़ा हिनहिनाता है, ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है कि घोड़ा क्या करता है, हिनहिनाता है। इसका क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन देखो, बिना क्वेश्चन मजा नहीं आएगा ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किस तरह के आते हैं ये हमें पता होना चाहिए। और इस पीडीएफ के लिए आप फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, टेलीग्राम चैनल भी है, दोनों जगह आप जुड़ सकते हैं। वहां से आप, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई रुपए आपसे नहीं लिए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कबूतर गुटर, और फिर आता है आपके सामने घोड़ा, और यहाँ पे अब ये आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, ऑप्शन आपके साथ सारे दिए हुए हैं, किनकिनियाना, भिनभिनियाना, गुंजन, हिनहिनाना या घुराना। अब यदि आपने पढ़े हुए होंगे तो आपके बन जाएंगे, नहीं पढ़े तो मत सोचो कि बन जाएंगे। ये इस तरह का चैप्टर है जो नहीं बनता, काफी बच्चों का नहीं बनता और काफी बच्चों का 1 सेकंड लगते हैं। तो एक बार पढ़ने में क्या जाता है, जोर तो आता नहीं है। एक अच्छी चीज है ना यार, ये तो मतलब जनरल नॉलेज के टाइप में चीजें हैं, ये हमें पता भी होनी चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? हिनहिनाना, ठीक है। ऐसे देखो जानवर आवाज की तरह हमने देख लिया। उसके अलावा मैं बात करूं तो मात्रक, भौतिक राशि और इसकी इकाई, जैसे लंबाई को किसमें मापते हो? मीटर में, तो ये पता होना चाहिए। टाइम को किसमें मापते हो? सेकंड में। ऐसे ही कुछ और भी हैं, ताप को केल्विन में नापा जाता है। पदार्थ का परिणाम यानी पदार्थ को जो बेसिक इकाई है वो है मोल, ध्यान रखना मोल है, पूछा गया हुआ है। तापमान, शक्ति, शक्ति का बहुत सारे हैं, वाट, हॉर्स पावर, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया आपके, ठीक है। बल को न्यूटन में। ऐसा क्वेश्चन क्यों आएगा ये भी सोचो ना, ये क्वेश्चन आने के क्यों तरीके। एक जैसे बल और न्यूटन है, ठीक है, बल और न्यूटन साइंस का भी पार्ट हो गया,
जिसको सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है ना कि बल की इकाई बताओ, और दूसरा इसे घुमा सकता है कि आपको दे देते हैं आवर्ती, आवर्ती फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में नापी जाती है। तो मुझे ये बताओ कि बल किस में नापा जाएगा, तो हमें ये पता है कि आवर्ती की इकाई हर्ट्ज है, तो बल की इकाई क्या होगी, यही तो हमें देखना है। तो बल की इकाई, एक तो ये साइंस का क्वेश्चन हो गया, इकाई भी तो पता होनी चाहिए, तो ये साइंस का क्वेश्चन हो गया, साथ में ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, ताकि क्षमता का क्वेश्चन हो गया, तो दो क्वेश्चन एक साथ हो गए तो क्वेश्चन अच्छा बन जाता है और चांसेस ज्यादा होते हैं उसके आने के। तो आप ध्यान रखना, एक तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के जो नाम है आविष्कार जिन्होंने इनको डिस्कवर किया है, साथ में ये भी ध्यान रखना भौतिक राशि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है उपकरण और माप, बेरोमीटर वायु दाब, कैलोरीमीटर उष्मा नापने के लिए, गैल्वेनोमीटर और विद्युत नापने के लिए, डायबिटीज के लिए कौन सा यूज होता है, ग्लूकोमीटर होता है यूज में, तो ये आपको याद करने हैं। स्क्रीन में आपके सारे दिख रहे हैं, इसकी पीडीएफ आप ले लेना, ठीक है। ऐसे देश मुद्रा और राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे भारत का तो सबको पता है रुपया रुपया रुपया, इनके पता है, बांग्लादेश का ध्यान रखना टक्का होता है, टक्का टक्का गणित जला ध्यान रखे, वो टक्का वहां से आया है, कहां से, बांग्लादेश से, है ना, टक्का है ना, पढ़ोगे नहीं तो टक्के गणित जला ध्यान रखा, जुलाई जुलाई में बैठे रहो टक्का गणित जला, जनवरी में पढ़ लो, वो टक्का ये टक्का है, ठीक है। और भूटान का भूताली, नगलू त्रुम, अलग अलग नाम है आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक। स्पेन इटली के दोनों सेम है, जर्मनी के सेम है, यूरो है वहां का, साथ में राजधानी याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक दो बार देखोगे याद हो जाएंगे। वैसे देश और उसका प्रतीक भी है, जैसे हम कहते हैं ना कि यार, जिन्होंने भी देखा होगा अपने किनको, भारत का जो सिंबल बताते हैं हम अशोक चक्र बताते हैं, स्पेन का गरुड़ है, जापान का गुल दाऊदी है, अमेरिका का सुनहरी छड़ है, इटली का सफेद चमेली है, तो ये सब प्रतीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ शायद तक नहीं है, कीवी, कीवी किसको कहते हैं अपन, चलो मुझे बताओ, जो भी मैच खेलता है उनके लिए क्वेश्चन है, कीवी प्लेयर किनको कहा जाता है, कीवी प्लेयर ध्यान रखना, मुझे बताना क्वेश्चन में, ठीक है। और कमेंट करके बताना जो भी क्रिकेट क्रिकेट में रखते होंगे कि यार कौन से प्लेयर कीवी कहलाते हैं, कीवी प्लेयर कहते हैं ना, चलो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। चलो साथ साथ में अब क्या दिए हुए हैं, गेम और स्थान, कोई गेम कहाँ खेला जाता है वो भी एक स्थान का भी एक नाम होता है, जैसे बॉक्सिंग रिंग में खेली जाती है, टेनिस कोर्ट में खेला जाता है, घुड़सवारा एरानी एरिना में किया जाता है, ये ध्यान रखना एरिना घुड़सवारी के लिए, टेबल टेनिस बोर्ड होता है वो टेबल टेनिस खेलते हैं, ठीक है। और निशानेबाजी कहाँ होती है, रेंज में होती है, उस एरिया को जहां निशानेबाजी करते हैं उसको कहते हैं रेंज, प्लेयर्स जो होंगे उनको पता होगा कि हाँ रेंज में चलो, है ना, तो वो रेंज कहलाता है। रेसिंग ट्रैक पे होती है, स्केटिंग रिंग पे होती है, गोल्फ कोर्स पे होता है, हॉकी मैदान में होती है, ऐसे ही। और है विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, कि मतलब जैसे अपन, मैं बोल रहा हूँ कि मधुमक्खियों का पालन जो है उसका जो हम पढ़ रहे हैं कि अध्ययन कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में या साइंस की भाषा में उसको कहते हैं एपिकल्चर, एपिकल्चर। ऐसी एस्ट्रोलॉजी किसको होती है, उत्को का अध्ययन होता है, आपका बायो आ गया, साथ साथ में रीजनिंग आ गई, तो बन गया ना क्वेश्चन अच्छा, इसीलिए इनको ध्यान रखना, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिए जाएंगे, आप जाके देख लीजिए इनको, ताकि आपका एकदम माइंड सेट सही बैठ जाए और अच्छे से तैयारी कीजिए इसको। इस चैप्टर में ज्यादा मैं पढ़ा नहीं सकता आपको, क्योंकि आपका नॉलेज जितना ज्यादा ज्यादा चलेगा उतना ही ज्यादा होता रहेगा, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे, कैसा लगा ये लेक्चर मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और रीजनिंग की अब कंटिन्यू डेली क्लासेस चलेंगी, साथ साथ में आपका डेली टेस्ट भी होगा, उस टेस्ट को भी दीजिए आप, 7 बजे है सुबह लगभग टेस्ट, और बाकी कोई टाइमिंग चेंज होता है तो आपको फेसबुक पे हम इन्फॉर्म कर देते हैं, टेलीग्राम पे भी इन्फॉर्म कर देते हैं, तो वहां जाके आप जुड़ सकते हैं, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जुड़ सकते हो, मुझे फिर इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी मैं इंटरेस्टिंग चीजें आपके लिए अवेलेबल कराता रहता हूँ, वहां पे भी जाके जुड़ सकते हैं, आई एम भानु सोनी नाम से, नहीं तो सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, देखो डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा है हमारा, सब जाके जुड़ सकते हो, आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और कैसी लग रही है क्लासेस कमेंट करके जरूर बताना, इसकी पीडीएफ आप ले लेना, क्वेश्चंस करेंगे हम कल, पीडीएफ को देख लो एक बार, फिर कल क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो इससे घुलते मिलते नहीं होंगे, लगभग हम कोशिश करेंगे कि 10-15 क्वेश्चन कर लें इसके, हाँ हम 20 क्वेश्चन टोटली इसके करेंगे, जिसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे कल लेक्चर इन क्वेश्चनों के साथ, तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे,
अलविदा, जय हिंद, जय भारत।